आपके बीत गांव में क्या समस्या है? सर पानी की समस्या है, जो कि डेढ़ दो किलोमीटर दूर से आते हैं बैलगाड़ी से टंकी लेकर और जामनी पर। आपके गांव में कितनी आबादी होगी? आबादी करीब 600-700 की करीब। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत सभी लोगों को पेयजल मुहैया कराने का प्रावधान है, परंतु ललितपुर जनपद के मेहरोनी ब्लॉक ग्राम पंचायत बीर में 12 सरकारी हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से 8 हैंडपंप फरवरी माह में सूख जाते हैं और 5 हैंडपंप भी सूखने की कगार पर हैं। इनमें से जितना पानी निकलता है लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है जब जाके एक घड़ा पानी निकलता है। प्रधान जी, बीर में और सुनवा में हमने देखा है कि पानी की काफ़ी समस्या है और वहाँ पर पानी की दिक्कत है, तो उसके लिए आपने क्या प्रयास किया? हमने नए बोरों के लिए भी प्रार्थना पत्र दिए, तो जल निगम वहाँ से लिख के आ जाता है कि मतलब जब बजट आएगा उसको करवा देंगे और टंकी के ला जाने प्रस्ताव दिया। तो आप फिर क्या करते हैं, कैसे पानी की व्यवस्था करते हैं? सर वहाँ से आता है पूरा गांव जामनी पर, कोई कोई कुप्पों से भरता है, कोई टंकी से भरता है, कोई उसे मुड़ी से भरता है, कोई साइकिल से। तो प्रधान जी ने कोई व्यवस्था नहीं की पानी की? प्रधान जी ने की है टंकी की, तो उसे 4 कुप्पा मिलते हैं केवल, जी हमारे घर में केवल 20-25 आदमी हैं लोग जैसे, तो 4 कुप्पा में कैसे काम चलेगा। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग ललितपुर जनपद के DM के मोबाइल नंबर 94-54-41-75-49 पर फोन करके दबाव बनाएं और इस बदलाव में हमारी मदद करें। मैं शंकर लाल, बुंदेलखंड क्षेत्र ललितपुर से, इंडिया अनहट के लिए।